आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम महानदी भाग दो। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि सिहावा के पहाड़ियों से नाचती कूदती कलकल करती हुई महानदी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पठारों से गुजरती हुई धमतरी पहुंचती है और अब शुरू होता है महानदी का धमतरी के बाद का सफर। धमतरी एक प्राचीन शहर है, आज जिले का मुख्यालय है। धमतरी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। आजादी के आंदोलन में यहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज ये आदिवासियों की सामाजिक चेतना का भी केंद्र बन गया है। कांकेर, धमतरी, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं। यहां के लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया। ठाकुर पूरन सिंह ने छत्तीसगढ़ी और हल्वी बोलियों में देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए कई लोकगीतों और कविताओं की रचना की, जो आज भी सुने जा सकते हैं। स्वतंत्र रत्नों आमचो भारत, 1000 बरख आगे, हर एक पदिम देश ये रेलो, तेबले कहानी जागे, सत धर्म ले लोट रला, रजो धाम चो छाए, सरगुन ने गोटी धान ने पोल, निकरते रला पाए। अर्थात अंग्रेजों के आने से पहले सत्य और धर्म का राज्य था, सब जगह सुख शांति थी, भरपूर फसलें होती थीं, भूख और दुख नहीं थे। मैं महानदी, धमतरी के पास मुझ में कई छोटी धाराएं मिलती हैं। बरसात में ये धाराएं पानी से लबालब भर जाती हैं। मेरे आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं। गांव, घर, खेत पानी से डूब जाते हैं। कभी कभी गांव के गांव खाली हो जाते हैं। लोग अपने बाल बच्चों और पशुधन के साथ ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते हैं। घने जंगलों में मेरा सफर और सुंदर हो जाता है, विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में। यहाँ साल और सागौन के पुराने जंगल हैं। इनकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, चौखट, पल्ले और दूसरे इमारती कामों में प्रयोग होता है। ये बाजार में महंगी बिकती है, शायद इसी कारण सागौन और साल के जंगल अधिक काटे गए हैं। अंधाधुंध पेड़ काटने के बुरे परिणाम अब नजर आने लगे हैं। लेकिन इसमें महानदी का क्या दोष है?
इंसान खुद ही जिम्मेदार है। अगर इसी रफ्तार से जंगल कटते रहे तो महानदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। महानदी के रास्ते में महुआ के जंगल हैं। चैत्र के महीने में इन पेड़ों पर खूब फल फूल आते हैं। पेड़ों के पास बड़ी अच्छी सुगंध आती है। सुबह सवेरे बच्चे, औरत, मर्द नीचे गिरे फलों को इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। ये आदिवासियों की जीविका का साधन भी है। इन फलों से पेय पदार्थ भी बनते हैं। इन जंगलों में तेंदू के पेड़ भी हैं। तेंदू के पत्ते चौड़े होते हैं। इनका प्रयोग कई कामों में होता है, जैसे तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनती है। सुबह सवेरे से ही बच्चे, औरत, मर्द सभी बीड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं। अब ये काम भी आदिवासियों से छीना जा रहा है। इन्होंने अपने जीवन यापन को प्रकृति के अनुसार ढाला है। ये लोग पहाड़ी ढलानों पर रहते हैं। इनकी छोटी छोटी बस्तियां हैं। स्थानीय पदार्थों से ये घर बनाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्ते, पत्थर और मिट्टी। जंगलों को काटकर खेत बनाते हैं। मक्का, कोदो और बीन उगाते हैं। खेती के तरीके पुराने हैं, इसी वजह से पैदावार भी कम होती है। आदिवासियों ने प्राकृतिक ताने बाने को समझा है। ये लोग प्रकृति के पास भी हैं और साथ भी। प्रकृति का दोहन केवल जीवन यापन के लिए ही करते हैं, लाभ के लिए नहीं। प्राकृतिक रूपों को देवी देवता भी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शहरों में घोड़ों के चलते फिरते दवाखाने देखे जा सकते हैं। यहाँ के जंगलों में वनों औषधियों के भंडार हैं। गोंड के अतिरिक्त हलवा, केवट और बैगा हैं, जो जंगल पर निर्भर करते हैं। इनके घर साफ सुथरे होते हैं। अगर किसी को बुलाना हो तो एक विशेष आवाज देकर बुलाते हैं। आवाज जब जंगल में गूंजती है तो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ के लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता कम करते हैं। सभी खुले में रहने के आदी हैं। जीवन में भी काफी खुलापन और सच्चाई है। इनकी जीविका जंगलों पर आधारित है, लेकिन आज ये संबंध टूटते जा रहे हैं। बांधों के बनने, खनिजों के खनन और वन विनाश जैसी क्रियाओं से पानी, मिट्टी और पेड़ों का विनाश हो रहा है। पहले आदिवासी जंगल का स्वामी था। सभी उत्पादों पर उनका अधिकार था। लेकिन सन 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए कानून बनाकर भारत की वन संपदा पर भी कब्जा कर लिया था।
हमने सदियों से जंगलों की रक्षा की है, पेड़ों को पाला पोसा है, जंगल हमारा है, हम जंगल के मालिक हैं। नो नो नो, किसने कहा जंगल कंपनी का है? तुम कौन हो रहा है? तुम गोरा लोग कल से आया है, कैसे मालिक बन सकते हो? हम जंगल में रहते हैं, देखभाल करते हैं। कंपनी ने क्या किया? साल, सागौन, शीशम की लकड़ी अच्छा है, हम काटेगा, हम बेचेगा। हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम जंगल के मालिक हैं, हमारे जंगल के मालिक हैं। हम जंगल के मालिक हैं। निशान, तुम हिंदुस्तानी काश नहीं जानता, हम जंगल को ज्यादा जानते हैं। साल की लकड़ी से रेलवे लाइन के स्लीपर बनाएंगे, बंगले बनाएंगे, अंडरस्टैंड? हमारा जंगल हमारी रोज हाउस, हटो यहाँ से, ऐसे हटो। मैं आदिवासी क्षेत्र से निकलकर चारामा के निकट पहुंचती हूँ। मेरे जल प्रवाह की दिशा में परिवर्तन आता है, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती हूँ, क्योंकि रास्ते में दूसरी पहाड़ी श्रृंखला है, इसलिए पूर्व की ओर मुड़ती हूँ। यहाँ कई किसानों की बस्तियां हैं जो सिंचाई के लिए मेरी राह देखते हैं। क्या यहाँ किसानों के अतिरिक्त और लोग भी रहते हैं? हाँ, जगह जगह चरवाहे भी हैं जो गाय बकरियां पालते हैं। मेरे किनारों पर हरी हरी घास खूब उगती है। वो देखो सामने, बोधू नाम का लड़का गाय चरा रहा है। कैसे हो बोधू? मैं अच्छा हूँ। एक बात बताओ ना, तुम इस जगह पर धीमी क्यों बढ़ जाती हो? समतल घाटी जो है। घाटी क्या है? मेरे ढलानों के बीच वाला भाग जिसमें मैं बहती हूँ। इसकी आकृति गुलेल जैसी या अंग्रेजी के वी आकार जैसी होती है। ये ऊपर से चौड़ी, नीचे से संकरी होती है। सामने पानी ही पानी है, समुद्र जैसा। बोधू, ये समुद्र नहीं है, मैं हूँ। मेरे दोनों पार्टों को रोक दिया गया है, इसलिए पानी जमा हो गया। ओह, ऐसे स्थान को बांध कहते हैं। मैं समझा नहीं। जब नदी के दोनों किनारों को चौड़ी दीवार बनाकर रोक देते हैं, रुके हुए पानी के जलाशय को बांध कहते हैं। शायद यही नियति है। उछलती कूदती जलप्रपात बनाती हुई, जंगलों को हरा भरा करती हुई, अटखेलियां करती हुई महानदी का रूप यहां पर कुछ और ही दिखाई पड़ता है। गति धीमी पड़ जाती है, क्योंकि प्रकृति की गोद से निकलकर अब ये मनुष्य के हाथों में आ गई है। गति जरूर धीमी हुई, लेकिन फिर भी यह हर पल में जीवनदायिनी है। इस पर बांध बनाए गए जिनसे नहरें निकली हैं, और इन नहरों ने आज पूरे प्रदेश को हरा भरा कर दिया है। अब सिंचाई से धान की साल में दो फसलें होती हैं, आमदनी बढ़ी है। यही वो जीवनदायिनी नदी है जिसके कारण छत्तीसगढ़ आज धान का कटोरा कहलाता है। महानदी भाग दो,
अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध एवं आलेख अख्तर हुसैन, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, नीरज शर्मा, आकाश राजेश आहूजा और कीमती आनंद, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।